राम राम भाई सभी को। आज एक नया जिम में ट्रेनिंग करते हुए आज मैं आया हूँ अपने दोस्त का जिम जो कि एआर फिटनेस है। ये एआर फिटनेस मेरे जिम से जस्ट बगल में ही है, तो आज मैं ये वाला जिम में आया हूँ ट्रेनिंग करने, क्योंकि अपने भाई के साथ आज ट्रेनिंग करना था। मेरा जो दोस्त है जिसका नाम रोहित जायसवाल है, आप लोगों को दिखेगा थोड़े देर में, ठीक है, उसके साथ मैं आज ट्रेनिंग किया चेस्ट और ट्राइसेप का, ठीक है। ट्रेनिंग काफ़ी बहुत बढ़िया रहा क्योंकि वो भी पावर लिफ्टिंग करता है तो हम भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो दोनों का एक बढ़िया मेल के साथ एक बढ़िया सूझबूझ के साथ आज जो वर्कआउट हुआ समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज वर्कआउट में मैंने चेस्ट और ट्राइसेप का एक्सरसाइजेस सारे परफॉर्म किए, डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है, बेंच प्रेस, ठीक है। और आज जो बेंच प्रेस का जो सेशन हुआ वो 120 किलो का 3 रेप 3 सेट का मैंने परफॉर्म किया। आप देख सक रहे हैं 120 किलो ऑन द बार, ठीक है। अब 120 किलो का मैं रिपीटेशन मार रहा हूँ क्योंकि मेरे ट्रेनिंग में यही था। आज जो मेरा ट्रेनिंग है वो 120 किलो का ट्रेनिंग था, ठीक है। आप देख सक रहे हैं 120 किलो ऑन द बार है। और नया जिम में, नया एम्बियंस में जिम करना एक अलग ही फील होता है और अलग ही बात होता है, ठीक है। आप ऐसे कोई भी अगर रेगुलर जिम में अगर करते हैं तो रेगुलर जिम में आप समझ सकते हैं कि एक ही एनवायरनमेंट में आप करते हैं, ठीक है। और जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एक अलग सा वाइब आता है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया 120 किलो का 3 रेप आराम से मेरे किया क्योंकि वाइब ही इतना बढ़िया था कि बहुत मज़ा आ रहा था करने में, ठीक है। उसके बाद मैंने परफॉर्म किया अपना चेस्ट के जितने भी सारे एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, मशीन प्रेस परफॉर्म किया चेस्ट से, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये केबल फ्लाइज जो है जो कि लोअर चेस्ट को एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है वो भी परफॉर्म किया। इस नए मशीन में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा था पर मज़ा भी आया बहुत, ठीक है। क्योंकि देखो नया एनवायरनमेंट में नया चीज़ ट्राई करने में भी एक अलग मज़ा आता है, ठीक है। तो आज दोनों, मेरा दोस्त और मैं, दोनों एकदम बढ़िया आज ट्रेनिंग किए तो, और बहुत मज़ा भी आया क्योंकि मेरे को बहुत दिन से एक चाह भी था कि हाँ दूसरा जिम में भी परफॉर्म करूँ अपने एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया। अभी चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज की ओर। तो ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि है आपका क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको अपना बेंच प्रेस बढ़ाना है, ये मेरा दोस्त है, मेरा जो स्पॉटर है, ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज वर्कआउट किया। ये भी पावर लिफ्टिंग करता है, बहुत तगड़ा पावर लिफ्टर है, ठीक है, इसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये जो आज का सेशन है बहुत तगड़ा रहा, ओवरऑल सेशन बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि दोस्त के साथ बहुत दिन बाद मिला तो ऐसी ही बातचीत में टाइम निकल गया, ठीक है। और मैं 2 दिन का एक साथ आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला जो दिन है ये मंगलवार है, ये मंडे का था, ये मंगलवार है। मंगलवार को मैं आया अपने जिम में परफॉर्म करने बैक वर्कआउट। ये दोस्त के, मतलब जो जिम में मेरे जो भाई है वो सारे मेरे को जानते हैं तो हाय हेलो थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बगल वाले जिम में, मतलब मेरे खुद के जिम में अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ, एडिक्शन जिम, ठीक है। अब वहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। आज बैक का सेशन था और आज बैक का वर्कआउट 200 किलो के 3 रेप 3 सेट। इस वीक पूरा हैवी वेट वीक है, ठीक है, तो हैवी वेट में परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए 200 किलो क्लीन एकदम, कोई इशू नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि देखो अपना ट्रेनिंग को कभी मिस मत करो, हर रोज़ अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपके पीआर पर पीआर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी मारा 3 रेप 3 सेट, मेरे हो चुके हैं ख़त्म। अभी मैं जितने भी सारे बैक के जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं परफॉर्म करूँगा ताकि मेरे बैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो अभी वाला जो एक्सरसाइज है वो है चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो। और चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो का क्या फंक्शन है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन है कि ये आप, ये एक्सरसाइज जो है ये अपर बैक बिल्डर है, ठीक है। देखिए इसमें 2 ग्रिप है। अगर आप एकदम स्ट्रेट वाला ग्रिप लेते हैं, जो ऊपर वाला ग्रिप है, इससे बेसिकली आपके जो रोम्बॉइड्स है, आपका जो अपर बैक है ये बिल्डअप होता है, ठीक है। और अगर नीचे वाला पार्ट पकड़ते हैं तो ये मिडिल बैक बिल्डअप होता है, ठीक है। तो अलग अलग का अलग अलग फंक्शनलिटी है, आप अपने हिसाब से चूज़ करें। साथ ही साथ मैं ये एक्सरसाइज को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ
सिंगल आर्म लैट पुल डाउन, ठीक है। ये आपके जो लैट्स है ये आपको एक बहुत अच्छा डेफिनेशन लुक देता है, साथ ही साथ ये आपके जो बैक को आइसोलेट करता है। देखिए मसल इम्बैलेंस अगर आपको है तो ये एक्सरसाइज अपना वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्या होता है कि एक मसल ज़्यादा डेवलप हो जाता है और दूसरा साइड का मसल उतना डेवलप नहीं हो पाता है। अक्सर ये बाइसेप्स में देखा जाता है कि एक साइड का बाइसेप ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरा साइड का बाइसेप उतना डेवलप नहीं है। तो उसको हटाने के लिए आपको साइमल्टेनियसली दोनों हैंड से बराबर प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। तो यही होता है मसल इम्बैलेंस को सुधारने का तरीका। आप ये दोनों लैट्स में से दोनों को एक एक करके आइसोलेट कर दे रहे हैं, एक से एक टाइम में कर रहे हैं वर्कआउट, दूसरा से दूसरा टाइम में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल आइसोलेट करके आप जब हिट करोगे तो उसमें आपका मसल इम्बैलेंस भी सुधरेगा और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया पंप भी मिलेगा। जैसे ये वाला एक्सरसाइज में मैंने अपना टी शर्ट उतार दिया है जानबूझ के कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस हिसाब से लैट्स एंगेज होता है ये वाला वर्कआउट में। ये वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है जो अंडर आर्म लैट पुल डाउन है मशीन में। आप देखिए मेरे लैट्स कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं और लैट्स कैसे एंगेज हो रहा है, देख सक रहे हैं कि खाली मेरे लैट्स ही प्रेशर में है और मेरे लैट्स में जो मसल, लैट्स के जो मसल है वही खाली मूव हो रहे हैं। आप देख सक रहे हैं, देखिए हैंड के जस्ट नीचे जो लैट्स आता है, विंग्स जिसको कहते हैं, वही खाली मूव हो रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके जिम में ये वाला मशीन अवेलेबल है तो ज़रूर इसे ऐड करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने सीबम से सीखा था। मैंने पहले भी आपको कहा था सीबम आपको पता है, क्रिस बम्स्टेड, क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैम्पियन, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उससे मैंने सीखा था ये मशीन। ये आज का वर्कआउट समाप्त, चलते हैं घर, ठीक है। घर जाके अपना डाइट वगैरह लेते हैं और अपना, आज मंगलवार है तो चलेंगे बजरंगबली के दर्शन करने, ठीक है। और मंगलवार को बजरंगबली का दर्शन ना करें, राम जी का नाम ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आ गए हैं मंदिर, ठीक है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए शुरुआत के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।